नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 2021 यह खत्म होने ही वाला है, मात्र कुछ दिन ही बाकी है 2021 के। आने वाले साल 2022 में सभी राशि वाले व्यक्तियों को यह जिज्ञासा होगी कि हमारे लिए आने वाला साल कैसे जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में कि 2022 मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा। संपूर्ण जानकारी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज हम लेकर के आए हैं 2022 के बारे में। तो दोस्तों यदि आपकी भी मेष राशि है या आपके फैमिली मेंबर में किसी की मेष राशि है, आपके दोस्त की, आपके भाई बहन माता पिता जिनकी भी मेष राशि है, आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स, बहुत सारे वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या है अच्छे परिणाम। दोस्तों इस वर्ष यानी कि 2022 में मेष राशि वाले व्यक्तियों को आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 महीने की, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में। दोस्तों इन 3 महीने में मेष राशि वाले व्यक्तियों जो कि स्टूडेंट है, जो कि स्पेशली रूप से विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को तो लाभ होने वाला है, क्योंकि इनका समय अच्छा रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने पहले एग्जाम दिए थे, पहले मेहनत किए थे, उन्हें रिजल्ट काफी अच्छे मिलने वाले हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और जो व्यापारी वर्ग है यानी कि जो व्यापार करते हैं, इनके लिए भी संकेत काफी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या होने वाला है कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से जो सूर्य भगवान है, सूर्य ग्रह जो है वह आने वाले हैं मकर राशि में। और अभी फिलहाल मकर राशि में शनि बैठे हैं, तो मकर राशि में ही सूर्य और शनि की जो युति है यह दर्शाती है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों की अपने पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, अपने पिता से इनका झगड़ा हो सकता है या अपने बेटे से झगड़ा हो सकता है। तो यदि आप भी आपके पिता है या फिर आपके कोई बेटे हैं, तो पिता पुत्र यदि हम आप है संबंध में मेष राशि वाले व्यक्ति, तो आपको इस समय अपने पिता से जो संबंध है वह मधुर स्वर में बोलना है, मधुर स्वर में बात करना है, और पिताजी जिसको आपको डांटते हैं तो रिप्लाई सहजता से करना है, समृद्धि से करना है। एवं दोस्तों क्या होने वाला है कि आने वाले 3 महीने के बाद में, जी हाँ 13 अप्रैल से क्या होने वाला है, गुरु ग्रह जो है वह मीन राशि में आने वाले हैं। तो इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलने वाला है। अप्रैल के बाद से, 13 अप्रैल के बाद से आपको जो है बिजनेस में आर्थिक रूप से फायदा होगा और आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मीन राशि में गुरु आने से क्या होता है, गुरु स्वग्रही हो जाते हैं और मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल और गुरु जो है वह अच्छे स्थान में रहने से आपको आर्थिक रूप से बहुत अच्छा फायदा होगा। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बढ़िया समय रहने वाला है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 13 अप्रैल के बाद से। लेकिन दोस्तों इसके पश्चात की बात करते हैं 29 अप्रैल को। जी हाँ 29 अप्रैल को क्या होने वाला है कि शनि का जो गोचर है वह कुंभ राशि में होने से आपको जो है इसमें और फायदा होगा, यानी कि और लाभ हो सकता है। शनि का 29 अप्रैल से कुंभ राशि में गोचर आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर के आएगा। तो 29 अप्रैल के बाद से तो समय और अच्छा आने वाला है। लेकिन इसके बाद की यदि हम बात करते हैं कि अप्रैल, मई और जून महीने के बाद के समय की, तो दोस्तों जून महीने के बाद, हालांकि यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है या कहीं पे जॉब करता है तो इनके लिए कुछ समस्याएं आ सकती है, इनको जो है अपनी नौकरी से कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है या इनका जो सैलरी है, जो पेमेंट है, रुक सकता है, क्योंकि जून महीने के बाद से मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही अनावश्यक खर्च भी आपके हो सकते हैं जून महीने के बाद। इसके साथ यदि बात करते हैं तो जो जुलाई के बाद से, जी हाँ जुलाई के बाद से जो है आपको आपका जो बजट रहेगा, आपके जो खर्च रहेंगे जुलाई के बाद से बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं, और साथ ही अगस्त सितंबर आते आते जो है आपको अपनी जेब ढीली करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता ना करिए, क्योंकि सितंबर महीने के बाद से ही मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यात्रा के योग बन जाते हैं। जी हाँ आप यात्रा में जा सकते हैं, दूर यात्रा में, तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, यानी कि यात्रा के योग आपके सितंबर के बाद मेष राशि वाले व्यक्तियों के बन सकते हैं। इसके पश्चात आता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लास्ट मंथ
दोस्तों लास्ट मंथ में यानी कि लास्ट के तीन महीने में मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो विद्यार्थी है, इनको जो है थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ जो व्यापारी वर्ग है, इन्हें भी अपने कस्टमर को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। और साथ ही हालांकि जो व्यक्ति नौकरी करेगा, इन्हें फायदा होने के प्रबल योग है। नौकरी पेशे जो व्यक्ति रहेगा, इन्हें फायदा होगा। और जो व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है, इन्हें भी इस साल के 2022 के अंतिम समय में, अंतिम चरणों में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों मेष राशि वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो स्वास्थ्य तो अच्छा बना रहेगा, लेकिन इस साल के शुरुआत में जब सूर्य भगवान मकर राशि में आएंगे तो स्वास्थ्य में कुछ तकलीफें आ सकती है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, लेकिन बाकी ओवरऑल समय इनका अच्छा गुजरने वाला है। तो दोस्तों यदि आपके भी कुछ प्रश्न है, मेष राशि वाले व्यक्तियों के प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।